रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं आरजे याशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा खास दिन जिसमें आप ढेर सारा पुण्य कमा सकते हैं। तो क्या है आज? दोस्तों, आज है श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यानी इसे हम नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार नागों को बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में नागों को उच्च स्थान दिया गया है। अगर हम हिंदू भगवान की बात करें तो दोस्तों, देव आदि देव महादेव भी अपने गले में वासुकी नाग धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु ने शेष नाग को अपना सेवक माना है। दोस्तों, शेषनाग वही हैं जिनकी सहायता से समुद्र मंथन सफल हुआ था। नाग जाति एक अलौकिक जाति में से एक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शेषनाग हैं। दोस्तों, शेषनाग के बारे में मान्यता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। शेषनाग के एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, बल्कि 1000 मस्तक हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इनको अनंत भी कहा जाता है। शेषनाग या आदिशेष ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे ज्यादा पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका निवास स्थान रहा। ब्रह्मा के वरदान से तो वह पाताल लोक के राजा बन गए, लेकिन भगवान विष्णु का सेवक बनना उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य और पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही, यानी जल लोक में जाते ही, उनके स्थान पर उनके छोटे भाई यानी वासुकी जी का राज्य तिलक कर दिया गया। अगर हम नाग जाति की बात करें तो नाग जाति के लोगों को पातालवासी माना जाता है। इसी के साथ धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब नाग समुदाय पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शासक रहे। माना जाता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से, उनको जल फूल चढ़ाने से, दूध पिलाने से, उनको भोग लगाने से माना जाता है कि सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नाग पंचमी के बारे में चर्चा करते हैं, और ये भी आपको बताऊंगी कि गरुड़ पुराण के अनुसार नाग की क्या कथा है। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। ब्रेक के बाद दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो और मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी। तो दोस्तों, लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम बात कर रहे थे कि गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी की क्या कथा है और क्यों हम नाग पंचमी मनाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ अपनी स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी थी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का एक नियम था, वो रोज दूध उबालकर ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती थी और घंटी बजाती थी, तो आसपास के सारे सर्प इकट्ठा होकर दूध पीने आते थे। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि ये सर्प तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब बेटी बड़ी हो जाती है तो एक बड़े खानदान के मुखिया के 7वें बेटे, जो कि सबसे छोटा बेटा था, उसे उस बेटी की शादी हो जाती है और वह घर की छोटी बहू बन जाती है। दोस्तों, 7ों बहुओं में छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी थी, जिसे बाकी की बहुएं ताना मारती थी। कहती थी, तेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। एक माँ थी जिनका निधन हो गया। इतना सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी रहती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। जब सावन का महीना आया तो सारी बहुओं के भाई उन्हें लेने आने वाले थे, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो पूरा सावन का महीना अपने मायके में गुजारने वाली थी। तभी सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरा सावन का महीना तुम्हें यहीं रहकर गुजारना होगा। यह सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी होती है और वह रोते रोते एक पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ के पास बैठकर खूब विलाप करती है। तभी पेड़ के पीछे से शेषनाग बाहर आते हैं और छोटी बहू को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी, तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझसे डरो मत और चिंता बिल्कुल मत करो और मेरे साथ नागलोक चलो,
एक बहन अपने भाई के घर सावन के महीने में आए तो यह उसका अधिकार होता है। इतना सुनकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हो जाती है और शेषनाग मनुष्य रूप लेकर छोटी बहू को उसके ससुराल से नाग लोग ले जाते हैं। वहाँ नाग माता से छोटी बहू की मुलाकात होती है और ढेर सारा प्यार मिलता है। शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटी बहू देखती है कि नाग माता सर्प को रोज दूध ठंडा करके पिलाती हैं। एक दिन भूलवश छोटी बहू ने ठंडे की जगह सर्प को गर्म दूध दे दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। इस पर सर्प बहुत क्रोधित हुए और वह छोटी बहू को डसना चाहते थे, लेकिन नाग माता के समझाने पर सर्प ने छोटी बहू को छोड़ दिया। जिसके बाद शेषनाग ने फैसला किया कि छोटी बहू को उसके ससुराल भेज देना चाहिए। शेषनाग छोटी बहू को ससुराल लेकर आ गए और उनको उपहार में ढेर सारे सोना चांदी और जेवरात दिए, जिसमें हीरे मोतियों से जड़ा हुआ बहुत सुंदर बहुमूल्य हार शेषनाग ने छोटी बहू को प्रदान किया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई। उस राज्य की रानी को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने राजा से उस हार को पाने की जिद की। राजा ने अपने सिपाही को छोटी बहू के घर भेजा और उस हार को लाने का आदेश दिया। जब हार रानी के पास आया और उसने गले में धारण किया तो वह सर्प बन गया और रानी बहुत डर गई और इस बात के लिए छोटी बहू को महल में आने का आदेश दिया। जब छोटी बहू महल में आई और उससे इस हार को सर्प में बदलने की वजह पूछी गई, तो उसने बताया कि ये कोई आम हार नहीं है, ये मेरे भाई शेषनाग ने मुझे दिया है। तभी शेषनाग उस महल में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन का हार है और मेरी बहन के अलावा जो भी इसको पहनेगा उसके गले में यह सांप बन जाएगा। तभी रानी ने छोटी बहू का हार उन्हें लौटा दिया। उसी दिन से नाग पंचमी पर स्त्रियां नाग को अपना भाई बनाकर उनकी पूजा करती हैं, उन्हें जल फूल अर्पित करती हैं, दूध पिलाती हैं और भोग लगाती हैं। तो दोस्तों, आपको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ वक्त हो चला है अब चलने का। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई खास दिन पर उनकी पुरानी मान्यताएं लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए मेरे साथ यानी आरजे याशी के साथ, रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।